साउंड देना साउंड वो साउंड वहां से नमस्कार मेरे भाई <coughs> गुड इवनिंग आप सभी को और पधारिय आप सभी आज की क्लास का जो इवेंट था वो कल बना दिया गया था उसका एक कारण था ताकि आप सभी को पता चल जाए कि कल क्लास नहीं है आज है अदरवाइज क्या होता है आप इंतजार करते रह जाते कि सर क्लास है कि नहीं आ और हालांकि मैंने पहली क्लास में अनाउंस कर दिया था कि कल क्लास ऑफ रहेगी ठीक है मेरे दोस्त आइए अपने कहानी को करते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं और अभी थोड़ा सा चीज़ें हैक्टिक चल रही हैं क्योंकि ठीक है इतने सारी सुबह से शाम तक क्लासेस बन जा रही हैं दिस इज द रीज़न कि मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं सी एच एस एल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लास लूँ लेकिन ठीक है उस हेक्टिक शेड्यूल की वजह से मैं ले नहीं पाया एक क्लास मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ली थी चलो कोई नहीं फिर कोशिश करेंगे ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की और सीरियल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम जो मेन्स के अभी आए हैं सी एच एस एल वगैरह एम टी एस वगैरह ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मतलब ऐसे सीरीज करते रहेंगे साइड बाई साइड फिलहाल आप सभी का स्वागत है आपके इस वो कैब के बैच में और आज ठीक है परमपिता परमात्मा की ठीक है कृपा रही आप लोगों पर ठीक है हम लोगों पर मतलब और आज हम क्लास नंबर 26 अपने बैच की ले ले रहे रहे हैं 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 ठीक है क्लास नंबर 26 ले रहे हैं, और आज के बाद जो क्लासेस वो आपकी डायरेक्ट को होगी ठीक है डायरेक्ट ट्यूजडे को होगी डन है और ये नहीं कि YouTube की ऐसा मत सोचिएगा बेटा कि सर फ्री बैच है तो अब जो है कल की छुट्टी कर रहे हैं डायरेक्ट ट्यूजडे को क्लास लेंगे मेरे सभी बैचेस पेड बैचेस भी फ्री बैचेस भी ऑफ है मंडे तक सारे बैचेस ऐसा मत सोचिएगा बेटा कि जब भी छुट्टी होती है वो खाली आपकी नहीं होती वो पेड बैच की भी छुट्टी होती है ठीक है छुट्टी हो रही है अभी एक जो है तो आपकी जो डायरेक्ट क्लास होगी वो होगी हमारी आपकी आ, क्या है मंडे को क्लास नहीं मंडे या ट्यूसडे चेक कर लेना मंडे भी हो सकती है ट्यूसडे भी हो सकती है मंडे या ट्यूसडे में से आपकी क्लास होगी

चलिए प्रैक्टिस बैच भी जल्दी आएगा आज के पहला वर्ड करते हैं फटाफट से ठीक है फिर मैं अभी निकल रहा हूं जिस चीज को मेरे साथ चलना है वो चल सकता है ठीक है फंक्शन में जिस चीज को खाने की इच्छा है ठीक है वो मेरे साथ चल सकता है है चलिए आइए सर आज का पहला वर्ड है हमारे पास आगे जनता जनार्दन सारे आगे ना। आगे ना एक बार वीडियो को लाइक कर देना और मैक्सिमम प्लीज शेयर कर देना देखो बच्चे रोकस आज का वर्ड यही है आज हम यहां से है ना आजकल ठीक है रोकस सर रोकस का मतलब क्या होता है पहला ही वर्ड क्या है रोकस रोकस का मतलब क्या होता है जैसे मैंने बोला, तुम दिल की में। आपने बोला सर, सर, क्या यार, इतनी प्यारी तो आवाज है। कहते, नहीं, नहीं, सर मेरे कान में चुभ रही है सर, प्लीज, ऐसे, इतना बदाव इतना वाहियात और इतना गंदा और इतना सड़ा हुआ मत गाओ सर आप मुझे ये कहने लगे मैंने बोला क्या हो गया सर एक तो लाउड है हाँ अनप्लीजेंट है और बहुत ही बकवास यार अच्छा दोबारा कोशिश करता हूँ दिल यह हक झाझरा ठीक है बहुत ही भद्दा बहुत ही बुरा वाह यार कौवा ठीक है आपने ऐसा कहने की कोशिश की ठीक है सो मैंने बोला भाई साहब हाँ ये है लाउड और अनप्लीजेंट और पता है ऐसा ही भद्दा गाना है ना इनके लिए लड़की गा रही हो तो पता है क्या लिखेंगे जानू कोयल जैसी आवाज है आप मैंने अगर मैंने अगर हां जितने भी बेस्ट सिंगर हैं इंडिया के सुना है उनसे ऊपर दर्जे के तो अगर चाहो तो, तो तुम इंडियन आइडल में जा सकते हो और वो ऐसी गाड़ी होगी उसको तारीफ कर देंगे लेकिन टीचर की नहीं छी 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 देखो भाई साहब तो आप ये कमेंट करना जानू आपकी आवाज कैसी है रोकोस ठीक है रोकोस बस ये ना हो जानू गूगल कर ले तुम गए सो बेटा ये, ये ऐसी भद्दी वाहियात गंदी कर्कस टाइप की आवाज होती है ठीक है रोकस जिसे बोलते हैं तो रोकस का मतलब हो गया कर्कस टाइप की आवाज

बॉस्ट्रस का मतलब से बना है बनाया भाई साहब ये वर्ड और अगर आप देखोगे तो का मतलब क्या होता है ऐसा ही बिल्कुल बहुत ही ज्यादा रफ आवाज आवाज बहुत ही ज्यादा तेज आवाज, उसको जरा बोल दिया जाता है इसलिए मेरे दोस्त यहां लिखा है मैंने नोइसी होना एनर्जेटिक और रफ होना ज्यादातर बॉस्ट्रस चिल्ड्रन पता है क्या करते हैं बहुत तेज बोलते हैं हम बोलेंगे मम्मी मम्मी लो, लो भाई थोड़ी आहिस्ता बोल ले यार कान में से निकल रहे तो तो कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक बच्चे नहीं होते हैं ठीक है अगर आप यहां बैठे हो और अब कोई वहां बैठा है तो वो लगा रहा। तेज वो लगा वो तेज है। वो तेज है। वो आवाज आवाज लगा है 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 इतनी तेज 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 लगाएगा बंदा ही ही ठीक चीज यहां पर है तो ये जब बोस्ट्रस आप वर्ड पढ़ोगे तो बोस्ट्रस का मतलब हो गया बोस्ट्रेस चिल्ड्रन तो ऐसे बच्चे जो बहुत एकदम तेज बोलते हैं एकदम तेज टाइप की आवाज बोलते हैं ठीक है जब भी बोलेंगे तो नॉइसी है एनर्जेटिक है और रफ है उसके

आप साथ साथ टाइप करते चलेंगे और आप साथ साथ बोलते भी चलेंगे रोबस्टिस बना है रोबस्ट से सो so, रोबस्टिस का सबसे पहला एक मीनिंग तो सेम ले लो बॉइस्ट्रस इसका मतलब नॉइसी होना एनर्जेटिक होना और रफ होना तो एक मीनिंग तो बिल्कुल इसका सेम है तो ये इसका सिनोनिम तैयार हो गया लेकिन मेरे दोस्त जो रोबस्ट होता है ना वो होता है एकदम हट्टा खट्टा फॉरिंग फॉरकम एकदम हट्टा खट्टा एक इंसान और यू चल तो आपने बोला यार भाई तो बड़ा हेल्दी है और क्या है रोबस्ट सो रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होना ठीक है और एन ऑब्जेक्ट या सिस्टम जो बहुत ही स्ट्रांग है जैसे कोई सिस्टम है जिसको हैक नहीं किया जा सकता कोई सिस्टम है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता ठीक है तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उस सिस्टम का बट अगर रोब इंसान है तो बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग इंसान है उसके लिए रोबस्ट शब्द का यूज किया जाता है ठीक है ये आप शब्द यूज करके हो तो, हमने बोला, तो कितने मीनिंग हुए इसके दो मीनिंग हुए मेरे भाई तो पहला मीनिंग भी याद रखिएगा पहला तो सेम हो गया नोइसी होना रफ होना दूसरा रोब रोबस से बना है जो भारी भरकम आवाज के अलावा एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान उसके लिए भी शब्द यूज किया जाता है इसलिए आपको यहां से दो वर्ड याद हो गए ये जो एग्जाम में पूछा ये वन वर्ड सब्च्यूशन में पूछा गया था ठीक है आप अगर वो कैब देखोगे जो मेन्स की आई थी जो पी मैंने आपकी डलवाई भी है मैं एक बार दिखाना चाहूंगा मेरे दोस्त वो पी PDF... ये सीरियल मेन्स की मैंने पीडीएफ डलवा रखी है जहां आप वो कैब की पीडीएफ देखते ना हमारी ऐप में ये सीजीएल मेन्स की मैंने पी डलवा रखी है दो पेज की पी है 211 पेज की पी डी है इसमें सारे के सारे वर्ड हैं जो इंग्लिश में वो कैब आई थी सारे के सारे इसमें मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग सब कॉमन है जो पीडीएफ डलवा रखी है इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे सीजीएल मेंस के आप जब इसके इंग्लिश सेक्शन में जाएंगे और वहां पर भी आप वो कैब देखेंगे तो आपको एक एक वो कैब ठीक है ना अगर इंग्लिश का कोई सेक्शन अभी निकाल भी देता हूं मैं अगर सपोज करो इसमें ऐसी इंग्लिश भी मिलेगी आपको जैसे यहां से इंग्लिश स्टार्ट है ठीक है यहां से इंग्लिश स्टार्ट है यहां से इंग्लिश स्टार्ट है तो जो भी इसमें आपको वो नजर आएगी जो भी वो नजर आएगी जैसे यहां पर आ गया गिव गिव इन अप आपको वो कैब कराई हुई है तो जो भी एग्जाम में, में मेरे दोस्त वो आ रही है वो आपको ठीक है हर एक वो का क्वेश्चन को भी देखो आ जा भाई एक बात बता दिल पे दिल पे हाथ रख के कसम खा के बताना मेरे भाई क्या ये वर्ड मैंने नहीं कराया था फ्लुएंट क्या वर्ड इंसोल्वेंट नहीं हो रखा आपका ठीक है या बैंक नहीं? ये नहीं ये नहीं भाई साहब एक भी शब्द आपको पेपर में ये नहीं दिखेगा जो हमारे बैच में ना हुआ हो ये ना हुआ हो क्या ऑफन uh, का मीनिंग आपको नहीं पता है कहा गया भाई हमारा ठीक है एंट्रॉनिम बताना है सिलेक्टेड वर्ड का जो इसमें सिलेक्ट नहीं है ऑफन के लिए उसने पूछा था ये सिलेक्टेड था ठीक है और कोई भी वो कैब मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त कोई भी वो कैब आप निकाल के देख लेना ठीक है ये तो ये नॉर्मल फिलअप है आ जाओ जी वन वर्ड सब उठा के देख लो तो पूरा का पूरा बुक से बाहर आपको एक भी शब्द नहीं दिखेगा भाई मेरे चाहे एक बात आ जाओ आ जाओ बेटा सच्ची सच्ची दिल पे हाथ बता मेरे दोस्त सिकोफेंट वर्ड नहीं कराया मैंने देख वन वर्ड में आया मैंने तो इसे एंटोनिम सिनोनिम में कराया था मैंने तो इसे एंटोनिम सिनोनिम में कराया था बताओ सर बताओ

देख रहे हो जिसको नहीं पता बेटा वो देख लो इसमें मैंने मजाक नहीं किया था इसमें मैंने मजाक किया था कि एक बंदा ऐसा होता है जो बॉस की इज्जत करता है एक बंदा होता है जैकेट निकाल के बिछा देगा आइए प्रभु ऐसा इंसान होता है भाई साहब डायलॉग भी भी अब तक, भी अब तक तक मेरे को याद है आपको कैजुअल कराया था वेरी गुड यार इससे ठीक है फ्लैटर आपको वर्ड बता रखा है तो भाई मेरे कोई भी एक वो कैब आप ऐसे नहीं दिखा सकते या ग्रामर के जो क्वेश्चंस मैंने कराए हो या वो वर्ड ना आया हो चाहे ये स्पेलिंग देख लो

ठीक है पैराजंबल से ये तो इडियम है पैराजंबल के क्वेश्चन है कोई भी एंटोनिम सिनोनिम वगैरह आ जाओ भाई साहब इसके लिए आपको सिनोनिम दिखाना है हो, क्या, क्या इनफेमस नहीं कराया हुआ मैंने क्या नोटेबल नहीं कराया हुआ सर मैंने अन आइडेंटिफाइड और एक्नोलेज एक शब्द आपको ऐसा नहीं दिख सकता कि जिसको आप ये कह दो कोई भी और ये इसका नहीं है पेपर कुछ भी उठा लो मतलब कोई भी पेपर उठा के या किसी भी वो को आप उठा के देख लो एक एक शब्द आपको मिल जाएगा ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं मेरे दोस्त ताकि वो कैब याद करने का मन करे मेरे बच्चे अगर एग्जाम में आपको सात आठ क्वेश्चन के दिख रहे हैं ठीक है मतलब भाई साहब आप सोच के देखिए कितना बढ़िया आपका पेपर जाएगा किसी भी पेपर में बेटा पचास ग्रामर पच्चीस परसेंट वो और पच्चीस के करीब क्या आता है कॉम्प्रीहेंशन ठीक है ग्रामर कम करेगा कॉम्प्रीहेंशन बढ़ा देगा तो आपको तीनों सेक्शन पे बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बनानी है कई बच्चों को बहुत टाइम लग गया पैरा जंबल का क्वेश्चन करने में क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस कम करी तो इन मेरी सारी बातों को याद रखिएगा प्लीज जो बता रहा हूं वो कैब को याद कर रहे हो सिद्धत से करो सर ये वर्ड आपको पेपर में दिखेंगे ठीक है अब मैंने कराया रोस्टर बताया आपको हाँ कुछ भी वर्ड बताया वो पेपर में सेम दिखेगा ये मत सोचना पेपर में घर से वो दे देगा वो ऐसे तो एग्जामिनर फेल करना चाहे सबको फेल कर दे हर दो घंटे में ऑक्सफोर्ड एक नया वर्ड ऐड करती है वो दो घंटे वाला नया वर्ड ही दे दे जैसे करंट अफेयर आता है मेरे बच्चे आपका वो करंट अफेयर जो दे करंट अफेयर वो बिल्कुल करंट का दे तो आप तुरंत पकड़ लेते हो ना क्योंकि आप पढ़ के जाते हो बट करंट की बुकैब पढ़ के जाते हो जो वर्ड एग्जाम से सिर्फ दस पंद्रह दिन पहले बना होगा वो दे दिया क्या कर लोगे बट नहीं देता एग्जामिनर फिक्स बुकैब है जो प्रीवियस ईयर है आपकी सेम टू सेम वो बुकैब आएगी न्यूज पेपर के रिपीटेड वर्ड है सारे डाल रखे इसके अलावा कुछ वो कैब नहीं प्लीज so हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ना आपकी उसको एंटोनी में एक्सप्लेनेशन अरे वन वर्ड सारे हो जाएंगे इसी से इससे बाहर कोई वन वर्ड बन ही नहीं सकता तो ऑटोमेटिकली है जो अगली वॉल्यूम में वन वर्ड भी डालूंगा देखना आपको वर्ड मैच होते नजर आए ठीक है चलिए तो पीछे से इसको याद करना स्टार्ट करना और अपना अंतरात्मा को टोलते हुए कि सर के कहने से नहीं हमारी भी इच्छा है पास होने की भाई ठीक है चलिए सर रोस्टर का हो गया अगला वर्ड देखते हैं रोस्टर अच्छा ये पता कैसे याद रखोगे यार उसने उसको रोस्ट कर दिया रोस्ट ये भी तो सुनते हो ना हाँ लेकिन यहां जो रोस्टरस या रोस्टर का मीनिंग है जब आप अपने आप को एंजॉय करते हो बहुत एनर्जेटिक वे में और चिल्ला चिल्ला के बहुत ज्यादा आवाज के साथ शोरगुल के साथ उसको रोस्ट्रस या रोस्टर बोलते हैं वर्ब की तरह रोस्टर वर्ब है सो ये रोस्टर से रोस्टर्स बना है तो रोस्टर को याद रखिएगा हिंट आपको रोस्ट मैंने याद दिला दी ठीक है जी चलिए तो मेरे भाई बहुत आसान आपके लिए ये शब्द भी हो गया पांचवें नंबर चले मेरे दोस्त टर्बुलेंट भाई मेरे ये वर्ड पहले भी हुआ है टर्बुलेंट ट्रबल है ना टर्बुलेंट सिचुएशन कैसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस हो जाता मुसीबत से भरा हुआ टर्बुलेंट एक्टिविटी है सो so, ट्रबल से ट्रिबुलेंट क्यों नहीं याद रख ले ट्रबल मुसीबत है तो ट्रिबुलेंट ट्रबल से क्यों नहीं याद कर लेते आप आप सो टर्बुलेंट अगर आप देखोगे तो इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ सडन चेंजेस और वायलेंस एक्टिविटी होता है बेटा एक ऐसी गतिविधि जिससे लड़ाई झगड़ा वायलेंस वाली हो सकती है प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज्यादा उसके लिए आप ट्रिबुलेंट शब्द का यूज करते हैं तो हमने बोला अ टर्बुलेंट मैरिज अ टर्बुलेंट मैरिज तो क्या बना दिस हैज बीन अ टर्बुलेंट वीक हमारे संस्थान के लिए बहुत टर्बुलेंट वीक रहा है मुसीबत है टर्बुलेंट मैरिज जिसमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप उसके लिए इस शब्द को यूज करते हो ट्रबल से क्या याद रख लोगे टर्बुलेंट कोई बड़ी बात नहीं बेटा स्ट्राइडेंट स्ट्राइडेंट कैसी साउंड होती है सेम कर्कस स्ट्राइडेंट साउंड होती है सेम एक तो कैसी कर्कस टाइप की आवाज स्ट्राइडेंट स्ट्राइडेंट तो स्ट्राइडेंट साउंड इज लाउड अनप्लीजेंट और रफ ठीक है अच्छा आपने कभी नेल्स को दीवार पे रख के यू किया आपको ना ऐसे हो जाएगा जी जो बच्चे नहीं होते ऐसे नाखून से यू नोचते हैं ठीक है हाँ यू जैसे है कपड़े को यूं करने लग जाओ तो यू ने करके देखो तो एक आवाज आएगी इससे नहीं निकाल रहा मैं हमारा खराब हो जाएगा <laughs> ठीक है अगर आवाज आएगी तो आप उसको बोलोगे कैसी है स्ट्राइडेंट साउंड है कैसी है स्ट्राइडेंट साउंड है वो बोलते हैं चर कैसे बच्चे नहीं होते कई बदतमीज बाहर नई मैं एकदम मस्त गाड़ी खड़ी है कई इतने बदतमीज होते हैं छोटी सी कंकड़ उठाएंगे कहते हैं देख आवाज सुनेगा आवाज सुनेगा और दो चार पंटर लोग भी होते हैं उनके कहते हैं हाँ सुना और गाड़ी पे भाई साहब कंकड़ लगाई कहता मस्त थी ना और फिर दूसरा कहता मैं कहता पूरा भाई साहब ठीक है हमारे एक टीचर है हमारे एक साथी हैं उन्होंने नई गाड़ी ली थी और उनकी गाड़ी पे एक ऐसा शब्द लिख दिया मैं तो ऑनलाइन बोल भी नहीं सकता <laughs> और वो खिड़की पे लिख के चले गए भाई साहब उनको बेचारे को पूरी खिड़की उतरवा के पूरी खिड़की उड़की पेंट करानी पड़ गई मतलब दो चार महीने गाड़ी को लिए हुए थे ठीक है तो प्लीज अपने अपने बच्चों को संभाल के रखना इन फ्यूचर आइए सो भाई, <laughs> so भाई साहब आपने क्या बोल दिया स्ट्राइडेंट स्ट्राइडेंट का मतलब ये हो गया पीपल आर पुट ऑफ बाई हिस्साइडेंट वॉइस रिसारो द स्ट्राइड इन वॉइस बहुत ही कर्कश टाइप की आवाज हाँ आप उसको यूज करके चलोगे ठीक है वेरी गुड आई अब देखो स्टेंटोरियन 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 का भी मतलब क्या होता है सेम बिल्कुल सेम से वेरी है वेरी लाउड ठीक है वेरी लाउड तो स्टेंटोरियन सडनली अ स्टेंटोरियन वॉइस बूम्ड अक्रॉस द रूम तो एकदम से धमाके टाइप की आवाज हो जाना तो उसको आप लिया बोलते हैं ठीक है स्टेंटोरियन तो स्टेंटोरियन शब्द का यूज आप कर लोगे सर कैसे एक कर्कस सेम टाइप की आवाज के लिए आप उसको यूज करने की कोशिश करेंगे जो करकस टाइप की आवाज हो आप उसके लिए शब्द को यूज कर लेंगे आसान हो गया पाजी बात चलो एक बार रिवीजन पे डाल दें ये वर्ड नंबर हो गया हमारा आठ देखिए रक्ुस रकुस, रकुस बोस्ट्रोबस्ट रोस्ट्रस रोस्टर से बना है ये रोबस से बना है ये टर्बुलेंट ट्रबल तर्ब से बना है स्ट्राइडेंट आप बोल दोगे और stentorian आप अगला वर्ड बोल के चलोगे एक बार आप पढ़ देना सर मेरे साथ साथ पहला पढ़ो दूसरा पढ़ो तीसरा पढ़ो चौथा भी यही है दो बार पढ़ दो यार इसको क्या हो गया पांचवा पढ़ो छठा सातवा आठवां पढ़ो ठीक है अच्छा अब तो बहुत बहुत बद्दी बद्दी आवाज हमने देख ली करकस टाइप की आवाज अब बारी है कोयल की जरा आओ भाई बुलबुल देखो जी आ गया सोबर सिंपल एंड सोबर सर सोबर साउंड इनको मन करे बार बार बोल बारोल करके आप सिंपल एंड सोबर बोलते ना सिंपल एंड सोबर ठीक है आसान हो गया सर नेक्स्ट डेकोरस डेकोरस किससे याद रखोगे डेकोरस डेकोरेट से याद रख लो हिंट डेको ठीक है अच्छी डेको डेकोरस डेको डेकोरेशन ठीक है ना देख लो ना डेकू सो बिहेविंग पोलाइटली एंड इन अ कंट्रोल वे सोच समझ के ठीक है अपना प्यार से बोल रहे हो अच्छे से बिहेव कर रहे हो सो so, हम बोल देते हैं मेरे बच्चे आपको बहुत आपका जो तरीका है वो डेकोरस होना चाहिए आपका जो तरीका है पोलाइट हो सभ्य हो सो ये वर्ड याद रखा करो काम आएंगे रियल लाइफ में भी काम आएंगे डेकोरस डेकोरस ठीक है अच्छा देखो कहता है डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए थी उसको इसलिए डिग्निटी से डिग्निफाइड बना है डिग्निफाइड का एक ऐसा मतलब होता है जो बंदा अपने आप में क्या हो सीरियस रहता हो शांत रहता हो कंट्रोल रहता हो फालतू में बकवासबाजी में ठीक है लड़ाई झगड़ा ना करता हो पागलों की तरह ना हो कई कुत्तों को नहीं देखते हैं कई कुत्ते ऐसे होते हैं उनकी तरफ जरा सा गुड़ लोग भोंकने लग जाते हैं ऐसे पड़ोस में ठीक है होता था हमारे टाइम पे जब हम छोटे हुआ करते थे स्कूल में जाते थे तो एक पड़ोस में कुत्ता होता था वो बहुत भो 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 ऐसे करने लग जाता जरा सा बोलो तो हम उसको चिराते ही रहते थे जैसे कंकड़ फेंक दो तो भो भो वो गेट के अंदर रहता था भोगता रहेगा पागलों की तरह हम चले जाते थे तो हमें ऐसा नहीं बनना है ठीक है हमें बनना है डिग्निफाइड पर्सन कंट्रोल सीरियस एंड काम देर फॉर डिजर्विंग रेस्पेक्ट इसलिए आप रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं सो so, याद रखिएगा जब भी किसी को बहुत प्यारा ठीक है बहुत प्यारा आपको कॉम्प्लीमेंट बोलना हो तो मैंने बोला शी इज अ डिग्निफाइड वुमेन शी इज अ डिग्निफाइड वुमेन ठीक है बोला ना मैंने शी इज अ डिग्निफाइड सो डिग्निफाइड हो गया अ कंट्रोल्ड, सीरियस काम और इसीलिए वो डिजर्व करता है रेस्पेक्ट सो ही हैज मेंटेन्ड अ डिग्निफाइड साइलेंस अबाउट द Rumors. Rumors हो उन्होंने लता मंगेशकर जी ने एक बार बहुत बड़ा, बहुत आंसर किया था जो मुझे उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था उन्होंने बोला लोग इंडस्ट्री में जब आपके लिए कुछ हुआ था कुछ रूमर उड़ी होगी तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है देखो तो या तो वो लोग इंडस्ट्री से होंगे जो मुझे ऐसे जो अफवाहें उड़ाते हैं रूमर्स उड़ाते हैं या वो इंडस्ट्री से बाहर भी हो सकते हैं और उनके एक बहुत प्यारे शब्द थे उन्होंने कही थी या वो वो इंसान तक भी हो सकते हैं ये वो इंसान भी हो सकते हैं जो मेरे ही घर मेरे दोस्त बन के आते होंगे जो मुझे लगता है मेरे दोस्त हैं मेरे अच्छे हैं मेरे चाहने वाले हैं बट हो सकता है मेरी पीठ के पीछे वो भी मेरी बुराई कर रही ये हमेशा याद रखिएगा लाइफ में हो सकता है जिस इंसान को आप सोच रहे हैं आपका अच्छा है सगा है बहुत ही ठीक है बढ़िया इंसान है मेरे लिए हो सकता है पीठ पीछे बुराई वही इंसान आपका कर रहा हो क्लियर होगा ना तो ये ये चीज याद रखना कहीं तुम फिर ये ना बोलो कहता हमें तो अपनों ने लूटा हाँ कहता फिर हाँ कहता गैरों ने भी लूटा ठीक <laughs> है वो काम ना हो जाए तो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी लगी थी मुझे उनकी लाइन सो डिग्निफाइड का मतलब आप, आप प्लीज कोशिश करें डिग्निफाइड बनने की आइए अगला वर्ड है शरीन यार हुआ है पहले ये बिल्कुल हुआ है शरीन प्लेस होता है काम और शांत होना शरीन का मतलब होता है ठीक है काम और शांत होना जिसको किसी चीज की चिंता ना हो शरीन।, शरीन आप ऐसे याद करना ठीक है वेरी गुड तो आपने क्या बोला सर पीसफुल एंड काम वर्ड बाई नथिंग चिंता नहीं किसी चीज की तो हमने बोला याद आया जिसके face से आपको चेहरे से लगे इनको किसी बात की चिंता नहीं है चेहरे पे cute smile है। ठीक है भाई चलो तो आपने इसको बोल के चल गया आगे ट्रेंकुल याद आया मैंने क्विल याद कराया था क्विल भी अगर शब्द देखोगे तो एक क्विल शब्द होता है क्विल का मतलब होता है शांत शांत सो so, को भी अगर आप देखोगे तो ये भी है काम और पीसफुल विदाउट नॉइस सो शी स्टैंड द द सरफेस ऑफ वाटर एकदम तो भी होता है क्या होना एकदम एकदम शांत कोई प्लेस है ट्रैंक्ल प्लेस है, प्लेस, है। प्लेस कैसा प्लेस हो जाएगा एकदम शांत है कोई शोरगुल वहां पर नहीं है हर कोई तो वही जाना चाहता है हर कोई तो वही जाना चाहता है आपको बड़ा अच्छा लगेगा कभी कभी नदी के किनारे बैठ के देखिएगा जहां शांत माहौल हो आराम से समय बिताइएगा बड़ा अच्छा लगेगा आपको और अगर लाइफ में सफलता पाने के बाद जाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा जो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब रात हो जाती है तो इंडिया गेट पे रात को एक बजे के करीब वो जो रोड है वह डेली में इंडिया गेट के पास ठीक है उस रोड पे आप वॉक कीजिए बड़ा अच्छा लगता है ऐसा नहीं सर रात को एक दो बजे तो कौन वॉक अरे मेरे बच्चे वहां पूरी रात आदमी रहते हैं पूरा लोग घूमते रहते हैं और सुबह तीन बजे जाओगे तो लोग आपको साइकिलिंग करते हुए मिलेंगे इंडिया गेट के पास ठीक है साइकिलिंग कर रहे होते हैं लोग वहां पर इतना अच्छा लगेगा क्योंकि सारे पॉजिटिव बंदे होते हैं तीन बजे चार बजे जो एक्सरसाइज करने उठते हैं ठीक है आपको कोई रनिंग करते हुए दिखाई देगा जी हाँ बिल्कुल सुबह तीन चार बजे आपको वहां पर रनिंग करते हुए लोग दिखाई देंगे साइकिलिंग करते हुए लोग दिखाई देंगे कोई अपने परिवार के साथ आइसक्रीम खाने आया हुआ ठीक है

ताकि आपको पेपर में ये भी हिंट दे स्ट्राइडेंट स्ट्राइडेंट साउंड साउंड तो इसी तरीके से अपना बिहेवियर बनाइए आगे सर। अगले बात करते हैं। हमारे वर्ड हो का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा ठीक है इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है इंडस्ट्रीज एक ऐसा पर्सन कहो ऐसी फैमिली कहो ठीक है जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जिसकी लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो बहुत ज्यादा तारीफ करते हों ठीक है उसको बोलते हैं इलस्ट्रियस, उसको बोलते हैं इलस्ट्रियस। तो क्या होना फेमस और वेल रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड होना और एडमायर्ड होना सब उसको बोलते हैं इलस्ट्रियस उसको बोलते हैं इलस्ट्रियस ठीक है जैसे ही कम्स फ्रॉम एम एन इलस्ट्रियस पॉलिटिकल फैमिली तो उनकी फैमिली क्या है बहुत ज्यादा फेमस है लोग बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करते हैं एडमायर करते हैं ठीक है जैसे ये चीज आपने यहाँ पर बोल दिया जैसे हम टाटा ठीक है रतन टाटा सर की कंपनी है हम उनको, उनको, उनको कितना कितना एडमायर करते हैं तो उनकी कंपनी के लिए आप इंडस्ट्रियस ठीक है कंपनी कह सकते हो ठीक है तो वो चीज यहां पर आप यूज करके चलते हो तो इंडस्ट्रीज होगा जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो फेमस हो और बहुत ज्यादा लोग उसको एडमायर करते हो रिस्पेक्ट करते हो उसके लिए आप शब्द का यूज करते हो बहुत आसान शब्द हो गया इंडस्ट्रियस याद रखिएगा इंडस्ट्रियस होता है बेटा वो इंडस्ट्रीज का मतलब होता है सौरभ इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मेरे भाई मेहंती किया है हमने ये वर्ड इंडस्ट्रीस वर्कर्स ठीक है ये इंडस्ट्रियस इंडस्ट्रिय और इंडस्ट्रीज को एक साथ इंडस्ट्रियस है वो मेहनती इंडस्ट्रियस वर्कर्स और ये इलस्ट्रियस हो गया प्रसिद्ध जिसकी लोग बहुत तारीफ करते हैं ठीक है आगे इंपोर्टेंट एमिनेंट, एमिनेंट, एमिनेंट का फेमस मतलब देखो इंपोर्टेंट का भी जाएगा रेस्पेक्ट सिनोनिम बन जाएगा, जाएगा, जाएगा। इसलिए मैं ये शब्द देता हूं इनके ताकि आप पेपर में याद रहे अच्छा सर ने ये बताया था अब भाई साहब एमिनेंट का मतलब क्या वो अपने आप में वन वर्ड में पूछ लेगा वो अपने आप में एंटोनियम जमाने में पूछ लेगा सब कवर करना है सो हमने बोला एमिनेंट का मन गया एन एमिनेंट हिस्टोरियन ठीक है राइटर एक एमिनेंट राइटर है ठीक है वो राइटर है जिसको बहुत ज्यादा है क्या है बहुत ज्यादा उसको रिस्पेक्ट किया जाता है उसके लिए हमने बोल दिया एमिनेंट सिंगर लता जी वो हम बोल देंगे वेरी गुड नेक्स्ट ल्यूमिनस के दो मतलब होते हैं technically. Luminous होता है एक luminous inverters आते हैं ना luminous brightness से भी relate करता है. ठीक है और famous होना मतलब bright. ठीक है. तो उसके लिए यूज भी किया जाता है और एक इसका मीनिंग मैंने क्या बोला लाइट से रिलेट किया जाता है इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया ल्यूमिनस प्रोड्यूसिंग और रिफ्लेक्टिंग ब्राइट लाइट स्पेशली इन द डार्क तो जो अंधेरे में रोशनी दे तो वो फेमस से भी रिलेट किया जाता है और ऐसे भी ये रिलेट किया जाता है ठीक है और दूसरा इसका मीनिंग जो आप देखोगे हाँ ये हो गया एक तो फेमस से रिलेट हो गया एक ब्राइट लाइट से रिलेट हो गया एक हो गया वेरी ब्यूटीफुल होना मैंने बोल दिया यू आर लिमिनस यू आर लिमिनस सो आपने किसी को अगर कॉम्प्लीमेंट दिया तो इसने क्या कहा इज स्टिल लिमिनस एट फोर्टी सिक्स ऑफ एज अभी भी वो क्या है सो लिमिनस है. So, का मतलब हो गया वेरी मतलब तो तो ब्यूटीफुल मैंने इसी को 17 नंबर मार्क कर दिया क्यों ताकि आपको याद रहे दो तरीके एक तो लाइट से रिलेटेड अंधेरे में रोशनी लिमिनस ठीक है इसलिए इन्वर्टर्स याद रखिएगा लिमिनस के इन्वर्टर्स आते हैं दूसरा लिमिनस का मतलब हो गया ब्यूटीफुल होना फेमस होना ठीक है जिसको एडमायर करे लोग इसलिए उसको इसको बोल दिया गया अच्छा देखो प्रेस्टीज यार प्रेस्टीज की की बात बात है है इसका मतलब आदर सम्मान मुझे ये एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसलिए मैंने इस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया मेरे दोस्त प्रेस्टीज आपको प्रेस्टीजियस जो बना है प्रेस्टीज से बना है बच्चे बच्चे को पता है भाई साहब सबको पता है पता है ना सबको कोई ऐसा तो नहीं है सर पक्का डेफिनेटली चलो सर आगे देखते हैं एस्ट्रोल अच्छा एस्ट्रोल का मतलब एस्ट्रोनॉट ओहो का मतलब क्या एस्ट्रोनॉट इसका मतलब मतलब चांद तारों के परे ठीक है सितारों के परे वाली दुनिया उसको एस्ट्रोल बोला जाता है एक मीनिंग हुआ इसका एस्ट्रल का मीनिंग एक ही होता है ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई आइए रिलेटिंग टू द स्टार्स आउटर स्पेस जो रिलेट करिए एस्ट्रोनॉट आउटर स्पेस ठीक है जी वेरी गुड दूसरा इसका मीनिंग भाई साहब बहुत ही खतरनाक जिसको आप तारीफ करते हो पता है ना आसमान पे उठा के रखता हूं मैं तुम्हें आसमान पे उठा के रखता हूं मैं तुम्हें तो अगर मैं तुम्हें आसमान पे उठा के रख रहा हूं तो सिंपल से इसका सेंस क्या आया मैं तुम्हें अगर आसमान पे उठा के रख रहा हूं तो सिंपल से इसका सेंस क्या आया इसका मतलब मैं आपको बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा हूं तारीफ कर रहा हूं बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा हूं सर तारीफ कर रहा हूं वैसे आप एस्ट्रल को यूज करते हैं तो हमारे पास आ गया एलिवेटेड इन अ स्टेशन और पोजिशन एग्जॉल ठीक है अब बोलो सर एग्जोल्टेड कहा हो तो भैया मैंने बोला भैया कछोना ही ये देखो एग्जोल्टेड तो यहां इसका अलग अलग वर्ड ही है अभी बता देता हूं साथ साथ एग्जॉल्टेड का मतलब भी होता है रेस्पेक्ट से रिलेटेड ठीक है एग्जॉल्ट अगर मैं आपकी रैंक बढ़ा दूं तो मैंने आपको एग्जॉल्ट कर दिया आपकी पोजिशन बढ़ा दी एग्जॉल्ट करना होता है इस वर्ड को चलो इसके साथ साथ बता देता हूं ताकि आपको ये भी समझ आ जाए ठीक है आइए एग्जॉल्टेड एग्जॉल्टेड का मतलब है एन एग्जॉल्टेड पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एग्जॉल्टेड पोजिशन ऊंचे दर्दे की पोजिशन सो शी रोज टू द एग्जॉल पोस्ट ठीक है भेज दिया उस पर एग्जॉल वेरी गुड ये चीज यहां पर बनेगी ये चीज यहां पर बनेगी तो उन्नीस और बीस साथ साथ ये शब्द भी आपको याद हो गया इसीलिए मेरे दोस्त जो एस्ट्रोल है बनाना देखो अब एस्ट्रॉल कैसे आफ्टर हिज फिल्म बिकेम एन एक्स अनएक्सपेक्टेड ब्लॉकबास्टर डायरेक्टर वॉज सडनली वेलकम इन द मोस्ट एस्ट्रॉल सर्कल्स ऑफ हॉलीवुड सोसाइटी एग्जाम्पल आपने कहा एग्जाम्पल भाई साहब आर 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 सर इसी के तो चर्चे हैं आजकल तो हमारे जो राजा मौली सर हैं भाई साहब उनके लिए आपको नहीं लग रहा ये उन्हीं के लिए लाइन थी छोटे ये उन्हीं के लिए लाइन थी मैंने कॉपी कर ली <laughs> ये उन्हीं के लिए लाइन थी क्या आफ्टर हिज फिल्म बिकेम एन अनएक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर फिर क्या किया गया द डायरेक्टर वाज सडनली वेलकम इन द मोस्ट एस्ट्रल सर्कल्स ऑफ हॉलीवुड सोसाइटी वो लिखी थी हम चुराई लिए भैया क्यों क्योंकि क्यों हम तो माहिर हैं तमिल की फिल्म चलाने के लिए तो हमने वो लाइन भी न्यूज़पेपर से चुरा ली ठीक है भाई तो आप इस चीज को कह सकते हैं तो मुझे लगा ये आपको कराया जा सकता है सर एस्ट्रोल के लिए। के लिए लिए वर्ड ये आपको शब्द कराया जा सकता है तो वहां से हमने चुरा लिया ठीक है जी चलिए सर याद हो गया वर्ड बहुत ही बढ़िया पाजी इसलिए होते न, ना लैंग्वेज को समझना है कहां से तभी तो मैं कह रहा हूं मेहनत लगती है सर एग्जांपल सोचने में मेहनत लगती है आपके ये पीडीएफ्स बनाने में ठीक है आगे देखिएगा अब का मतलब क्या हुआ भाई साहब भी बोल देते हैं वेरी गुड सो प्रीमिनेंट का मतलब क्या है प्रीमिनेंट का मतलब है मेरे बच्चे मोर इंपॉर्टेंट और पावरफुल देन अदर्स दूसरों से ज्यादा पावरफुल होना दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होना ठीक है सो so, प्रीमिनेंट बोलते हैं प्रीमिनेंट बोलते हैं ठीक है जैसे ही वॉज द प्रीमिनेंट ठीक है साइंटिस्ट ऑफ हिज डे मतलब उस दौर का वो क्या है प्रीमिनेंट साइंटिस्ट है मतलब बाकी उसे क्या है ज्यादा जा, बेहतर है और ज्यादा अच्छा है उसके लिए ये शब्द यूज किया जा, जाता है चलो मेरे दोस्त जरा बात को समझते हैं हमारे इस वर्ड को भी अंडरस्टैंड करते हैं सो दूसरों से पहले प्री से याद रख लेना ठीक है ठीक है प्राइम से याद रख लेना प्रीमिनेंट को ठीक है चलो अब है डिस्टिंग डिस्टिंग होता है सर दूसरों से अलग आप हटके हैं सर तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं तो डिस्टिंग जो पर्सन होता है भाई साहब वो बहुत ही बंदा ऐसा होता है जो रेस्पेक्टेड होता है जिसको उसके काम के लिए बहुत तारीफ की जाती हो उसकी एडमायर किया जाता है सो अ डिस्टिंग राइटर डायरेक्टर और पोलिटिशियन जिसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती हो सो so, उसके लिए डिस्टिंग्यूस्ड शब्द का यूज किया जाता है ठीक है

Luminous, prestigious, astral, distinguished, reputable, exalted. सर एक बार आप पढ़ दीजिएगा uh, है, 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 दो बार पढ़ लेना ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर चलो भाई सब ऐसे बस आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी बन जाओगे तुम तो. आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी बन जाओगे नेक्स्ट वर्ड है एवरेज एवरेज का मतलब क्या हुआ भाई है, ऐसे बोलना फिर तुम रिमेंबर वन थिंग डियर स्टूडेंट्स डू नॉट ट्राई टू कॉपी द एक्सेंट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन योर ओन डिग्निटी अपनी अलग पहचान बनाए रखना कभी भी टोन कॉपी या एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश मत करना ठीक है जैसे आप ठीक है कॉपी करने की कोशिश करते हैं या किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो मैंने देखा है कई बार आप कहते हैं टू डिस्क्राइब पर्सन और देयर कभी ऐसे कॉपी मत करने की कोशिश करना बोलते हैं ना हम तो हम थोड़ा टोन को हाई पिच रखते हैं डिस्क्राइब आर रेस्पेक्टेड एंड ऐसे बोलते हैं कभी उसको मत कोशिश करना ठीक है जैसे कई बार होता क्या है ना वी ऑलवेज ट्राई टू कॉपी द एक्सेप्ट आप अपनी होता है ना भारतीय होने की पहचान खो रहे हैं फिर वो चीज याद रखना बहुत इरिटेटिंग होती है ठीक है वो बहुत इरिटेटिंग होती है अगर इंटरव्यू भी आप दे रहे हैं सो डू नॉट ट्राई टू कॉपी द एक्सेंट एक्सेंट अपने नॉर्मल में बोलिए यू शुड नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज इट मीन यू यू हैव टू कॉपी द एक्सेंट आर गेटिंग पॉइंट समझ गए भाई चलो अब इसके एंटोनिम की बात करते हैं इसके एंटोनिम होता है भाई अगर आप पावरफुल थे रेस्पेक्टेड थे तो यहां पर आप एवरेज हो गए कौन से नंबर का बर्ड है ये चौबीस पच्चीस तो यहां पर आप एवरेज हो गए सर आ जाओ मिडियोकर मिडियोकर का मतलब क्या होता है मिडियोकर का मतलब होता है एवरेज नॉट वेरी गुड उतना कुछ खास नहीं है नॉट वेरी गुड ठीक है एवरेज सो नॉट वेरी गुड द फिल्म इज प्रिडिक्टेबल प्रिडिक्ट कर लिया आपने पहले यही होगा यही होगा तुम सीआईडी में करते हो कई बार ऐसे कहते हैं मम्मी मुझे कातिल मुझे कातिल ये जो लड़की है हा इसका जो आशिक है मुझे, मुझे कातिल लग रहा है कह रही है नहीं नहीं लड़का तो सीधा लग रहा है अब देखो और ये बंदा जो यहाँ कातिल ढूंढ रहा है इस निकम्मे का पेपर है सीएचएसएल का और ये बैठ के कातिल ढूंढ रहा है और इगरनेस देखिए उठेगा नहीं बीच में जब तक कातिल का पता नहीं चलेगा और सीएचएसएल का एग्जाम है उसका कल लेकिन लौंडा बैठा हुआ है कहता आखिरकार कातिल कौन है और मम्मी को भी होश नहीं कि बेटे का है दो चार कन्न पे लगा के हो जाए ठीक है और बैठा दे उसको नहीं वो तो जब पापा दरवाजा खटखटाते हैं और पापा की आहट ठीक है और खोफ हमें पापा का इतना होता है कि अगर पापा मतलब आ रहे हैं और दरवाजा उन्होंने कभी नोक भी नहीं किया तो कई बार हमारे दिल हमें बता देता था क्योंकि उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है कहता कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ और तुरंत हमें पता चल जाता था पापा शायद आने वाले हैं और हम कई कई बार ना अंदाजे से टीवी बंद करते थे और पापा वाकई में आ जाते थे दो मिनट बाद और हम कॉपी खोल के बैठ जाते थे तब तक और भाई साहब गजब तब ढाते थे हम जब माशा हम मुंह भी ऐसा बना लेते थे किताब खोल के जैसे हम मिनिमम तीन घंटे से तो पढ़ रहे हैं वो जो अदा है ना तुम्हारी वो ऑस्कर दिला देगी किसी दिन तुम्हें वो अदा ऐसी होती थी पापा ये पर पता है क्या करते थे इसका शायद ये था इसका यही नहीं होगा ये शायद शायद ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए और पापा वहां खड़े हैं और हम यहाँ से ये आंख जरा उठा के और उधर देख लिया है कि पापा आगे तब भी ऐसे बिहेव करने के नहीं ठीक है फिर आगे अरे पापा प्रणाम ठीक है बेटा हाँ 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 ठीक है एकदम ठीक है हाँ और वहां लगे पड़ेगा माशाल्लाह माशा

<laughs> एक कह रहा सर आपको कैसा लगता है मैं भी तो डायरेक्ट बड़ा बच्चा पैदा नहीं हुआ ना मैं भी तो तुम्हारी एज से गया हूँ हैं मैं भी तो तुम्हारी एज से गया हूँ <coughs> चलिए भाई साहब तो बचपन अपना ऐसा ही था जैसा आपका है ठीक है पाजी अच्छा तो हमने मीडियोकर के लिए बोला बेटा इनफीरियर वही तो होता है घटिया इनफीरियर उसके लिए ही यूज करते हो सर सेलिब्रेटेड अगर आप यूज कर रहे हैं एक रेपुटेशन के लिए तो अगर आप उसको लिख रहे हैं अनसेलिब्रेटेड तो इसका मतलब आप उसको क्या बना रहे हैं एवरेज ही बना रहे हैं सर ठीक है उसके लिए यूज हो गया कर तो ये बुक का एड हो गया सर बाद में चलिए बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना लाइक कर देना आज की क्लास छोटी है क्योंकि अभी मैं गया था और बाहर थे तो ट्रैफिक इतना मिल गया कि मैं इतनी ही पीडीएफ बना पाया सर मैं पहले पीडीएफ नहीं बनाता मैं आपकी क्लास से जस्ट पहले ही बैठ के पीडीएफ बनाता ऐसा कोई भी बच्चा ना सोचे सर और बना देते और बनते नहीं भाई बैठना पड़ता है तो आज, कर पाया। तो आज के लिए माफी चाहूंगा आज हम तीस के करीब ही वर्ड करेंगे ठीक है बाकी दिन तो हम चालीस पचास पैंतालीस तक चले जाते थे। ठीक है ऐसा तो वो मैं उसी दिन करता हूँ पहले मैं पीडीएफ बना के नहीं रखता सर ठीक है ऐसा कोई स्टॉक बना के नहीं रखता चलिए थैंक यू सो मच अपनी मुस्कुराहट यूं ही बनाए रखिएगा अगली क्लास आपकी ट्यूसडे को होगी सर बीच में मैं कोशिश करूंगा मोटिवेशनल कोई वीडियो आपके लिए डाल दी जाए वरना हर क्लास में मैं मोटिवेट कर ही देता हूं फिर भी कोशिश करूंगा कोई मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए शूट कर दूं और उसको मैं अपलोड करा दूं जब तक एक दो दिन ठीक है आप उसको देख कर कुछ मोटिवेशन ले और पढ़ाई करने की कोशिश करें थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर गुनगुनाते रहिए खुश रहिए आका रहिए जय